तो गुड मॉर्निंग गाइस, आज ये फ्राइडे और आज फ्राइडे का दिन हम लोग सुबह सुबह पूजा पाठ करके हमारा ब्लॉग स्टार्ट करो। तो प्लीज गाइस, हमारा ब्लॉग आप लोग मन से देखते रहिए। तो गाइस, अभी मैं किचन में आ गया और किचन में बन रहा है आपका मैगी। मैं जो किशन ने थोड़ा आधा खा लिया और इधर किशा खा रहा है, ये पानी के डब्बे के ऊपर खड़ा हो जाता है, ठीक है। और लिपि बना रहा है मैगी। अभी हम लोग ब्रेकफास्ट बना रहे हैं और कृषा देख रही है इधर उठ के, और मैं बना रही हूँ ब्रेकफास्ट और मैगी। अच्छा है तो अभी साथ में हम लोग आज तीनों साथ मुठा, फिर नहाए के करके सब नहाया, फिर पूजा भी एक साथ किया, फिर अभी एक साथ करेंगे ब्रेकफास्ट ना मम्मा। हाँ, कृषा बना रही है चाय, वो मुझे बोल रही है तो ये तो मुझे भी करना है बोल रही है। अरे बन गया मैगी और थोड़ा बनेगा और बनेगा। अरे पापा देखो, किशा मम्मा इधर खड़ा हो गया कि कैसे खड़ा हो गया, देखिए पानी के ऊपर खड़ा हो गया। पानी के ऊपर खड़ा, उसका टेक्निक ऐसे ही रहता है, उल्टा सीधा टेक्निक। अरे क्या तुम भी तो बात। और टिट्टू को दिखाता हूँ, और ये देखिए टिट्टू ऐसे सोया रहता है। टिट्टू ये देखिए ऐसे वो बहुत प्यार लेते रहते ऐसा। गाइस, किसा भी खा रहे हैं, देखो बाबा खा रहे, देखो दिखो 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 तुम खा लो, किसा खा रहे, किसा खा लिया। यस चलो फिनिश करके ओपन माउथ हम दोनों खाया। बाबा तो गरम गरम में खा ले ना। पढ़ाशुना कर बाबा, ठीक ठाक करके पढ़ाई करो। चलो चलो गाइस, हम लोग जाते मेरे काम पे, मैं काम पे जा रहा हूँ, दोनों पढ़ाई कर रहे हैं। दोनों नहीं, मैं उसको पढ़ा रही। अरे किसा पढ़ाई कर रहा, रेडी हो गए जा रहे काम पे। तो मैं जा रहा हूँ काम पे, तो अभी लोग घर पे रहेगा, तो आके फिर मिलते हैं। बाय बाय, इवनिंग के टाइम। सो कृषा का तो पढ़ाई करके हो गया, तो उसको पढ़ा लिया, तो अभी वो देख रहे कार्टून। तो मैं अभी जा रही हूँ किचन में लंच बनाने के लिए, और अभी तक सोचा नहीं लंच क्या बनाऊंगी, देखती हूँ क्या बनाती हूँ। और हस्बैंड तो चला गया काम पे, तो मैं बेडरूम में गया था, क्योंकि और मैं बेडरूम में गई थी, बेड को ठीक किया, और कपड़ा बहुत सारा है जो सूख गया, तो वो भी अभी निकल के रखती हूँ, क्योंकि मैसिंग में सब धुला हुआ कपड़ा है वो डालूंगी। तो चलो अभी जाती हूँ लंच बना ले। तो इधर से पूरा खिड़की खोल दिया विंडो, और पूरा हवा आ रहा है, कृषा भी ना कभी बाबा, देखो पूरा विंडो इधर खुला हुआ है, इसलिए देखो लाइट भी गिर गया। अरे बाप रे, अच्छा का मस्ती देखो, आया आके पूरा विंडो खोल दिया और इधर लाइट भी गिर गया। अभी पहले खिड़की को बंद करना पड़ेगा। बेडशीट भी पूरा ये हो गया।
में किचन में इधर मेरा खिचड़ी होगा, तो ये खिचड़ी। तो खिचड़ी तो हो गया, तो अभी मैं बनाऊंगी प्याज का जो पकोड़ा हो। तो पहले इधर थोड़ा क्लीन कर लेती हूँ क्योंकि गंदा होके है, तो क्लीन करके फिर बनाऊंगी पकोड़ा। और ये बर्तन भी जितना भी है वो सब भी मुझे सेट करना है। तो ये सब धुला हुआ बर्तन दीदी ने तो धो के रख दिया था, कल शाम को धोया था, मैंने रात को भी नहीं किया। और आज दिन मतलब सुबह होकर दोपहर हो गया, फिर भी अभी तक मतलब जिधर का बर्तन उधर नहीं रखा, तभी रखूँगी। पहले तेल को गरम में बिठा देती हूँ, और ये कल रात में पूरी बनाया था तो वही तेल है, तो उसमें ही बना लेती हूँ। तेल तो अच्छा ही है, मैं ढक के रख दिया था तो उसमें ही बना रही हूँ। तो तेल गरम होने देती हूँ एक साइड, और वो साइड में एक कर रही बर्तन सेट कर रही हूँ, नहीं तो एक बनाते बनाते तेल फिर उड़ के धुला हुआ बर्तन में ही गिरेगा, तो कुछ मतलब नहीं है, वो झूठा ही हो जाएगा। इसलिए पहले मैं मतलब तेल के अंदर डालने से पहले मैं सोचा वो क्लीन कर लेती हूँ। तो काम करते करते मेरा इधर तेल भी गरम हो गया, तो अभी एक एक करके प्याज का पकौड़ा डाल देती हूँ। तो काम करते करते मतलब कपड़े इधर उधर का था तो सब ठीक ठाक कर रहा था, ये सब करते करते थोड़ा टाइम हो गया, तो मैं और किशा हूँ करके कुकर में खिचड़ी बना लिया, और खिचड़ी के साथ खाने के लिए प्याज और बेसन डाल के पकौड़ा बना रही हूँ। तो यही आज का लंच, तो यही करूँगी लंच। और उस साइड कपड़ा धुल रहा है, और ये प्याज काटते काटते थोड़ा पानी भी आ गया, इसलिए ऐसा लग रहा है मुँह पानी पानी लग रहा है, रो रही थी तो प्याज काट कर रहा था, तो इसलिए तो हो गया। अभी ये भी हो जाएगा तो फिर मैं और पीछा खा लूँगी, और टिट्टू को दे दिया खाना, लेकिन वो खाया नहीं, पता नहीं, अभी दोपहर में नहीं खाता है, दोपहर का खाना शाम को खाता है, जब भी खाएगा खाएगा। कृषा को भूख लग गया तो उसको दे दूंगी, और मैं दोनों एक साथ ही खाऊंगी, मैं और कृषा। और खिचड़ी भी एकदम सिंपल बना, ज़्यादा मसाला विसाला नहीं डाला, सिंपल बना है। अभी खाते टाइम थोड़ा सा घी ले लेंगे, यम्मी लगता है, घी डाल के फिर वो पकौड़ा के साथ खाऊंगी। तो चलो अभी ऐसा फटाफट बना लेती हूँ। और बहुत दिन बाद थोड़ा बहुत फूल बचा, तो फूल मैंने आज इसमें डाला, ये देख इसका मुँह पकड़ लिया मैंने, तो इधर रखा मैंने फूल। अभी जो हम लोग फूल लेके आते तो थोड़ा बोल बोल के ज्यादा लेके आते, तो डेली तो ऐसा होता नहीं है, इसलिए लड़का फिक्स किया, मतलब वो लड़का के फूल देके जाता है, तो जो लड़का फूल देके जाता है देता है तो है, लेकिन एक कम कम देता है, क्योंकि तो कुछ दिन बचता है कुछ दिन नहीं बचता, तो आज थोड़ा सा बचा, मतलब वही 4-5 बचा, तो पानी के अंदर रख दिया। और वो देखो खाना नहीं, और ये है मेन गेट, ठीक है, और एकदम खाना नहीं खा के देखो इधर आके बैठे हैं चुपचाप। गेट के पास कौन सोता है, कौन सोता है, टिट्टू सोता है, देखो गहरी नींद में है, और एकदम तो उधर कार्टून देख रहे है, इधर बैठा है। तो चलो अभी थोड़ा बैठ जाती हूँ, पीछे है कृषा का डॉल, तो अभी बैठ जाती हूँ, फिर खाऊंगी खाना, भूख भी लग रहा है बहुत जोर से। सुबह 2-3 पूरी था, 2-3 पूरी और चाय पिया, मतलब चाय पिया था, 2-3 पूरी खाया था, और कुछ नहीं, तो आज भूख लग गया। और इधर भागते भागते सब कपड़ा विपड़ा सेट कर रहा था, कर और भूख लग गया, थोड़ा दिन नहीं करते, मतलब कपड़ में अभी उसका हाथ पहुंचता है, तो खुद का कपड़ा खुद ही निकालते हैं, खुद 10 बार चेंज करते हैं कपड़ा, और उसका टॉल को भी मतलब अच्छा वाला धुला हुआ सब कपड़ा टॉल को भी पहनाता है, और खुद भी पहनता है। अभी क्या करूँ, बच्चा अकेला भी रहता है खेलता है, लेकिन कभी कभी फिर गुस्सा भी आता है, हर दिन ऐसे करता है, मतलब 4-5 बार तो मिनिमम करता है वो कपड़ा चेंज, मतलब ये नहीं वो पहनना, वो नहीं वो पहनता है, फिर वो तो खुद नहीं पहन पाते कोई कोई कपड़ा, टी शर्ट वगैरह पहन लेती है, बाकी ड्रेस वगैरह नहीं पहन पाती है, तो मुझे आके बोलता है मम्मा पहना दो मम्मा पहना दो, तो तभी थोड़ा चिड़चिड़ आता है, फिर देता भी वो लेकिन चिड़चिड़ भी फिर आता है, यही होता है। और ऐसा सबके घर में होता है, जिन लोग का घर पे बच्चा है सबके घर में होता है। और स्कूल भी स्टार्ट हो जाएगा अभी नेक्स्ट वीक से, स्कूल भी स्टार्ट हो जाएगा ठीक है, लेकिन टाइमिंग ऐसा है ना, मतलब सुबह 9 से 12 बजे तक फिर वो घर पे आ जाता है, लेकिन हाँ एक चीज़ क्या होता है स्कूल में जाने से, स्कूल में जब भी जाता है ये लग रहा है क्या है इधर, अरे हस्बैंड चश्मा नहीं लेके गया आज छोड़ के गया, तो हाँ ये बोल रही थी
स्कूल में जाता है एक चीज क्या है तो सुबह सुबह मैं उठ जाती है ना, तो सुबह उठ जाता है तो ऑटोमेटिक उसका मतलब नींद आता है दोपहर के टाइम। तो सुबह उठता है, फ्रेश वगैरह होता है, दूध पीता है, सुबह भारी कुछ नहीं खाता है, मतलब अच्छा वाला नाश्ता नहीं करता है, सिर्फ दूध पी के फ्रेश होकर ड्रेस पहन के चले जाता है। नीलाते नहीं उठना सुबह, और चिड़चिड़ होता है ना, नींद में रहता तो नीलाऊंगी तो और चिड़चिड़ होगा, तो नीलाते नहीं हूँ, ऐसे ही फ्रेश करके ड्रेस चेंज कर दो, स्कूल यूनिफॉर्म पहना के भेज दे दो, 9 बजे छोड़ कर, तो फिर आता है 12 बजे, तो आते आते साढ़े बारह, तो दूर है ना, तो आते आते साढ़े बारह पौने एक हो ही जाता है, फिर मेरा भी तब तक खाना पीना बन जाता है, फिर हम लोग 2-2.5 बजे तक खा के पूरा सो जाते हैं, और मेरा भी नींद आता है क्योंकि मैं भी सुबह उठ जाती हूँ, तो दोपहर के टाइम नींद आता है उस और मैं दोनों सो जाती हूँ। फिर ट्यूशन भी स्टार्ट हो जाएगा, फिर ट्यूशन भी जाएगा, अभी ट्यूशन तो 1 तारीख से स्टार्ट होने वाला है, लेकिन एक दिन के लिए और ट्यूशन लिया नहीं, शायद मंडे से लेगा ट्यूशन, तो मंडे से जाएगा फिर ट्यूशन, तो ट्यूशन फिर शाम को उठेगा, फिर थोड़ा बहुत कुछ खाएगा, फिर जाएगा ट्यूशन, फिर आते टाइम थोड़ा टाइम नीचे पार्क में खेल के फिर आएगा, डिनर विनर करके फिर सो जाएगा। तो दोपहर में तो 2-2.5 बजे सोता है, फिर 4-4.5 बजे तक ही सोता है, फिर उतना टाइम तक नींद आ जाता है 12-12.5 बजे तक, फिर सो जाता है। ये टाइम टेबल अच्छा है, मैं स्कूल जाने से टाइम टेबल अच्छा, थोड़ा बहुत खेलता है तो अच्छा भी लगता है। बाकी अभी क्या है ना, पूरा खुद तो फ्री है और एकदम स्कूल नहीं, जो सुबह शाम नहीं पढ़ाती वही है, बाकी स्कूल वगैरह नहीं, लेट से उठना, लेट से सोना, ये सब करते करते खुद भी बोर होता है, हम लोग को बोर कराता है, मतलब बोर कराता है मतलब गुस्सा दिलाता है, ये करता है, यही है। और बाकी अभी फिर बारिश भी स्टार्ट हो जाएगा, फिर नीचे तो खेल नहीं पाएगा, स्कूल से घर, घर से स्कूल, ट्यूशन से घर, घर से ट्यूशन, ऐसा ही होगा, फिर वही घर पे आके खेलेगा। ठीक है चलो चल अभी वो कर ले तो, नहीं तो पूरा उधर चल जाएगा, चल हाथ लेके नहीं गया तो बस पूरा हेडेक होगा उनका, क्योंकि नहीं पहनता ना पावर है ना, फिर सर भी दर्द होने लगता है, मेरा भी है लेकिन मैं पहनती नहीं हूँ क्योंकि प्रेशर है, प्रेशर खींच खींच के निकल लेता है, और कॉन्टैक्ट लेंस तो हमेशा पहनने के लिए अच्छा भी नहीं लगता, कभी कभार यूज करती हूँ, हमेशा नहीं करती हूँ। तो मेरा भी आँख में बहुत पावर है, मतलब पावर है और बहुत पावर है, मैं चश्मा भी पहनती थी, लेकिन ऋषा हुआ मेरा 3 चश्मा तोड़ा उसने, 3 चश्मा, मतलब क्या बोलूँ, मतलब मैं पहनती थी तभी छोटा था, और छोटे उम्र में क्या होता है बच्चे लोग, सब बच्चे लोग के ऐसे करता है, बाल पकड़ के खींचना, फिर गले में कुछ पहन के रहेंगे तो वो पकड़ के खींचना, फिर चश्मा भी पकड़ के खींचती थी, मेरा 3 चश्मा ऐसे तोड़ दिया, मतलब मैं उसके हाथ से लेने जाती थी ना, मैं लूँ क्या वो ले, कन्फ्यूज में मैं तोड़ भी देती हूँ, और फिर निकल के रख रख के मेरा आदत भी हो गया अभी चश्मा खोल मतलब ना पहनने का, लेकिन चश्मा पहनना है क्योंकि मुझे भी अभी कभी कभार आँख से पानी आता है, मतलब जो प्रॉब्लम होता है आँख से पानी आना, फिर शाम के बाद से हेडेक होने लगता है, तो ऐसे प्रॉब्लम होता है, तो मैं हस्बैंड दोनों ही जाऊंगी, फिर पावर चेक करूंगी, पावर चेक करने के बाद दोनों चश्मा लूंगी, क्योंकि जो हस्बैंड का चश्मा है ना ये भी थोड़ा ब्रांड होगा, मतलब थोड़ा मुड़ गया, तो इसलिए वो भी वो चेंज करेगा, तो हम दोनों साथ में जाऊंगा, तो साथ में जाके चेक करके फिर दोनों के लिए क्लास लेंगे, यही सोचा है। तो ये मेरा तो एक ये भी चोर दिया था किशा ने, चेन भी, और मेरा भी एक आदत क्या है ना, मैं ऐसे बैठ के रहती हूँ, फ़ोन में बात करती हूँ, कभी कभी ऐसे टीवी देखती हूँ तो ऐसा मुँह में ऐसा लेके ये करती हूँ, फिर टूट जाता है, ये 2 महीना पहले ऐसा हुआ था, फिर जाके ठीक करके लेकर आया। तो चलो आज बहुत सारा बात किया, अच्छा लगा, मतलब कभी कभी मूड अच्छा लगता है, कभी कभी मूड ठीक नहीं होता है, लेकिन पता है ये जो काम है इस एक काम में सब लोग स्माइली देखना पसंद करता है, तो इसलिए आप लोग बताओ फ्रेंड्स, क्या आप लोग को कौन सा टाइप का वीडियो चाहिए, और आप लोग को हमारा वीडियो अच्छा लग रहा है क्या नहीं, प्लीज़ कमेंट करके बताओ, और अच्छा लगे तो लाइक भी करा दीजिए और थोड़ा व्यूज़ भी बढ़ाइए, आप लोग को सब्सक्राइब किया बहुत जोर ने लेकिन व्यूज़ नहीं होते हैं पता नहीं क्यों, तो थोड़ा हम लोग को भी सपोर्ट कीजिए, हम लोग को भी सपोर्ट चाहिए आप लोग का, तो प्लीज़ फ्रेंड्स सपोर्ट कीजिए, और वीडियो अच्छा लगे तो भी लाइक करके बताइए, और नहीं अच्छा लग रहा है आप लोग को कैसा चाहिए, मतलब थोड़ा घूमना, फिर थोड़ा बहुत खाना का मेनू वगैरह रेसिपी जो रहता है
कौन सा टाइप का चाहिए वो बताइए, हम लोग कोशिश करूँगी जरूर। लेकिन हम लोग बहुत ट्राई करते हूँ मैं हस्बैंड दोनों मिलके आप लोग को वीडियो अच्छा से अच्छा देने के लिए, लेकिन पता नहीं आप लोग को कैसा लगता है नहीं लगता है। लेकिन प्लीज फ्रेंड कमेंट करके बताइए, नहीं तो हम लोग को कैसे पता चलेगा आप लोग देख रहे हो कि नहीं, रिस्पॉन्स कर नहीं देते हो तो हम लोग को मालूम नहीं पड़ता है। तो प्लीज़ रिस्पॉन्स दीजिए, हम लोग को कॉमेंट कीजिए अच्छा लग रहा है कि नहीं, बस यही बोलना था और कुछ नहीं। तो चलिए अभी बाकी का जो खाना है वो बना के खा ली, तो बहुत जोर से भूख लगा बहुत। सो गुड इवनिंग फ्रेंड्स, तो दिया व्या लगा के हो गया, तो मैं और कृषा भी जा रही हूँ थोड़ा सा मार्केट। तो दो दिन पहले बोल रही थी भगवान का सब सामान चाहिए तो लेके तो नहीं आया, तो आज जा रही हूँ सब लाने के लिए और थोड़ा बहुत घर में खाने के लिए ऐसा चाय के साथ खाने के लिए स्नैक्स लेके आती हूँ। तो मैं और कृषा जा रही हूँ, मैं भी रेडी हो गया, कृषा भी हो गया, हस्बैंड आ गया लेकिन वो फिर नहीं जा रहा, बहुत धूप में घूम घाम कर आया ना उनको और अच्छा नहीं लग रहा, तो घर पे रेस्ट ले रहे। तो मैं और कृषा भी जा रही हूँ, तो चलो सब लेके आते हो। और मेरा शैम्पू भी नहीं है, हाँ जूस देंगे तो शैम्पू भी फिनिश होगा तो वो भी लेके आती हूँ साथ में। अरे देखो कृषा ने ये पहना, वो एकदम वो ये वाला फ्रॉक पहन रही थी तो उस दिन लेके आया था वो वाला, मैं बोला गर्मी में वो मत पहनो ये पहनो। तो चलो जाती हूँ लेके आती हूँ। और कृषा भी ये बैग लिया स्टाइल करके, शूज तो पहनो। और दो दिन से ये वाला जो लिफ्ट है हाँ तो लेफ्ट साइड वाला बंद ही है तो चल नहीं रहा, तो एक ही लिफ्ट है ना तो इसलिए टाइम लगता है जाने में आने में, तो अभी नीचे था तो अभी आ रहा है। बहुत टाइम लग जाता है, चलो आया फाइनली। और टच बंद करो, हो गया। तो सोसाइटी में भी सब बच्चा लोग खेल रहे हैं, उधर लड़का लोग फुटबॉल खेल रहे हैं और इधर सब बच्चा लोग पार्क में खेल रही है। और कृषा भी जिद कर रही थी तो मैं बोला मत जाओ अभी, मुझे मार्केट जाना है, फिर आके डिनर भी बनाना है, तो अभी चलो फिर दूसरा दिन आना, तो ही बोल के अभी लेके जा रही हूँ। और हम लोग को सामने से रिक्शा मिल जाता है, ज़्यादा दूर जाने का पड़ता नहीं है, इधर ही खड़ा रह के तो मिल जाता है। तो अभी आ गया भगवान का सामान लेने के लिए, तो इधर भीड़ है क्योंकि कल जो बर्ड ग्रोथ है वो है, द बर्ड झड़ का कुछ ग्रोथ रहे तो ये औरत लोग करता है और मतलब महाराष्ट्र लोग का ही है ये त्यौहार, तो इसलिए भीड़ था। तो मैं और कृषा एक साइड खड़ा था तो कृषा ने वो सब लेके बोला मुझे भी लेना है। वो धागा लेके क्या करेगा पता नहीं, और मुझे लेना है दिया जो मिट्टी का दिया लाता है ना, तो वो मैं छोटा छोटा लेके रखती हूँ क्योंकि वो जो गुरुवार के टाइम फिर सोमवार के टाइम फिर अलग अलग पूजा रहता है तो तभी लगता है मिट्टी का, तो मैं इसलिए रखती हूँ क्योंकि अलग से दिया देती हूँ जिसका जो भगवान रहता है उस दिन का, वो अलग से मैं दिया देती हूँ। तो हम लोग का भगवान का सामान वगैरह लेके हो गया और कृषा अपना उधर से तो वाला सबसे चल चल के आ रही हूँ, तो कृषा बोल रहा मैं थक गया तभी जा रही हूँ मेडिकल पे, उधर से थोड़ा बहुत सामान ले लेती हूँ फिर जाऊँगी घर पे। हाँ चलो अच्छा चलो
बाबा नीचे। आस्ते आस्ते एनो एनो एटा ना तो हम लोग को जो जो लगेगा वो सब ले लिया। तो अभी भैया बिलिंग बना रहा है इधर, और किशा ने कैंडी लिया जो कि टूट गया, तो मैं अभी उसको बोल रही थी कि मम्मा वो चेंज करके दूसरा लो, तो ये अभी जा रही हूँ चेंज करने के लिए। ये देखो अभी इधर से वो छोटा वाला लिया, क्योंकि वो वाला और नहीं था, वो एक ही था तो वो भी टूटा हुआ था, तो अभी दूसरा एक लिया छोटा देख के। तो सब सामान लेके तो हो गया, फिर मुझे लगा कि एक बटर चाहिए था, मतलब याद आया, तो मैं अभी एक बटर भी ले लिया 100 ग्राम का। भगवान का जितना भी सामान लेके आया था उधर ही रख दिया भगवान के रूम पे। और ये देखो आते आते पी भी लिया, ये तो पी लिया। और ये मेरी बिस्किट, एक छोटा सा मेयोनीज का पाउच, मेरे लिए शैम्पू कंडीशनर, मैं जो लेती हूँ नहीं था तो इसलिए ही लेके आया, उधर नहीं था तो बोल के आया वो भैया को, तो वो ला के देगा। और बाकी ये हल्दीराम का भी, ये सब शाम को खाने के टाइम, और एक बटर, और ये मैंने नहीं लिया, किसा ने लिया, क्या पता क्या करेगा वो, मेरा है लेकिन मैं बोला उसको घर पे है फिर भी लेके आया वो छोटा। और ये रूम फ्रेशनर एक लेके आया, वो तुम्हारा बॉडी स्प्रे नहीं, बॉडी स्प्रे परफ्यूम इसको ऐसे ऊपर रखना पड़ेगा, नहीं तो फुस फुस करके पूरा खत्म कर देगा। तो चलो अब ये सब रख देते हो, और अभी जाते हो डिनर बनाने के लिए। तो मैडम अभी आके कर रही है कलर, इधर ड्राइंग कलर कर रही है। और ये देखो ये वाला सामने ले लो, गिर जाओगे, बीच में बैठो, बीच में बैठो इधर। और ऐसा कपड़ा है अभी फोल्ड करूंगी, और किचन में राइस बनने के लिए रखा, किशा का दूध भी रख दिया, तब ये कपड़ा फोल्ड करती हूँ फिर जाके सब्जी बनाऊंगी। तो चलो, अरे है मैडम उधर रूम में खिड़की में मुझे दिखाई दे रहे, तो देखो ये देखो। तो चलो अभी ये सब काम कर लेती हूँ फिर बाद। हाँ बोलो। तो फ्रेंड्स मैं अभी इधर रील्स बना रही थी बैठ के, और हस्बैंड है तो मैंगो काट करके लेकर मुझे खिला भी रहा है। बाबा ना मम्मी ने हम राइट करो, और मीठा है और पूरा पका हुआ नहीं है, कच्चा कच्चा थोड़ा है लेकिन मीठा है, पूरा छील के लेकर आया तो अच्छा लग रहा था। कौन सा नाम है इसका? लंगड़ा। लंगड़ा खाओ ना। उसको सिर्फ जूस ही पीना, उसको बाइट करके कुछ नहीं खाना है, सिर्फ बोल दे जूस दो जूस दो, मतलब आम अगर ऐसा नहीं खाएगी, ब्लेंड करके मिक्स की मैं जूस जैसा, मतलब शेक जैसा बना को दूंगी तो पी लेगी, बाइट करके नहीं खाना है उसको। तो मैं इधर बैठ कर रील्स बना रही थी तो काट करके लेकर आया, तो मैं बोला खिला दो। तो चलो, और खाना पीना तो सब हो गया रात का, तो चालू किया वीडियो तो इधर ही एंड कर दे दो, फिर लेकर तू नया वीडियो के साथ। तो बाकी सब कुछ तो हो गया, फिर फेस टू फेस एक सुबह वीडियो लेकर आती हूँ। तो आज का वीडियो इतना था कि फ्रेंड्स, तो बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर, चलो बाय बाय।